मधेपुरा के डीबी रोड वार्ड 20 स्थित लिटिल बर्ड स्कूल में वर्ग 10 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वर्ग 5 से 10 तक के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद विद्यालय परिवार द्वारा केक काट कर एवं वर्ग 10 के छात्र छात्राओं को गिफ्ट प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान विद्यालय की निदेशिका नंदिनी वर्णवाल ने कहा कि आज विद्यालय परिवार ने सफलता की ओर दूसरा कदम बढ़ाया है। हम अपने अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि मुझ पर और विद्यालय पर उनका भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। हम उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। निदेशिका ने कहा कि मधेपुरा में शिक्षा को बढ़ावा देने और खासकर बेटियों के प्रति सोच को सकारात्मक रखने के लिए विद्यालय परिवार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने विद्यालय से जो छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मौके पर विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद कासिम, महेश कुमार, राजू राठौर, प्रियम, प्रसन्न, प्रकाश कुमार, अमित कुमार, पप्पू कुमार, रुखसाना प्रवीण, दुर्गा बल, नेहा कुमारी, माला कुमारी, कंचन गुप्ता ने आयोजन को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। लिटिल बर्ड स्कूल में फेयरवेल का आयोजन किया गया है। आज हम लोगों ने सफलता की ओर दूसरा कदम बढ़ाया है। ये हमारा सेकेंड बैच हमारे स्कूल से बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। आज मैं अपने सभी सम्मानित अभिभावकों को दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझ पर और मेरे विद्यालयों पर भरोसा किया। मधेपुरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बदलाव देने और खास करके बेटियों के प्रति सोच को पॉजिटिव रखने के लिए मैं और मेरे विद्यालय की पूरी टीम हमेशा प्रयास करती रही है। विद्यालय परिवार उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है जो बच्चे हमारे इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। और मैं एक बात बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ, दिल से दुआ है मेरी कि आप जहाँ भी जाएं अपने परिवार, अपने विद्यालय और अपने देश का नाम रोशन करें। आप सभी पर मुझे गर्व है और आप लोगों ने इस स्कूल पर अपना भरोसा दिखाया। थैंक यू।